क्या यूपी से योगी को हटाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है? क्या केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष बन गए तो योगी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? क्या योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है? यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सीएम योगी और उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सरकार और संगठन में बदलाव करके टॉप लीडरशिप कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जल्द ही यूपी के राजनीतिक हालात पर पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर सकते हैं। यूपी में 2017 में बीजेपी सरकार की गठन से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई बार दोनों के बीच का विवाद खुलकर सामने भी आ चुका है। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़े वर्ग में काफी अच्छी पैठ बना ली थी। इसी के सहारे यूपी में बीजेपी की सरकार बन पाई। अब केशव के साथ 17% ओबीसी वोट बैंक है, इसे किसी भी हालात में बीजेपी गंवाना नहीं चाहेगी। वहीं योगी के हिंदूवादी चेहरे को भी प्रदेश में काफी पसंद किया जाता है। ऐसे में पार्टी योगी और केशव दोनों को ही नाराज नहीं करेगी, इसलिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। सीएम के दावेदार थे केशव, डिप्टी सीएम पद से संतुष्ट होना पड़ा। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में ही बीजेपी ने यूपी में शानदार जीत हासिल की। तब ये माना जा रहा था कि केशव ही अगले सीएम होंगे, लेकिन पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को कुर्सी सौंप दी। तब केशव को डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा था। डिप्टी सीएम होने के बावजूद केशव को कम तवज्जो दी जाती रही। योगी गुट के लोग हमेशा सरकार में हावी रहते, यहाँ तक कि केशव अपने मन से ही अपने विभाग के अफसरों को ट्रांसफर भी नहीं कर पाते थे। इसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी लेनी पड़ती थी। इससे केशव सरकार में होने के बावजूद भी खुश नहीं है। कई ऐसे मामले हुए जिनसे केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी बढ़ती चली गई। योगी आदित्यनाथ पर दर्ज मुकदमे तो आसानी से वापस हो गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की बारी आई तो फाइलें इधर उधर होने लगी। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद ही केशव के खिलाफ दर्ज मुकदमे हटा दिए गए। पीडब्ल्यूडी के एमडी की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री कार्यालय से ही होती थी। केशव जिन अफसरों का नाम सुझाव में देते थे उन्हें नियुक्ति नहीं किया जाता था। यानी केशव को अगर जिम्मेदारी मिलती है तो योगी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो जाएंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस नेटवर्क के साथ।